बेवकूफ, देखे तो ये तीन पागल आज क्या गुल खिलाएंगे। तुम ऐसा कब तक करते रहोगे? मुझे नहीं मालूम मोगली, तुम इसे पंजा कहते हो लेकिन मुझे तो ये लकड़ी का पुराना टुकड़ा दिखता है। लकड़ी का टुकड़ा? ये तो जादू ही है। इसी लकड़ी के टुकड़े से तो उस दिन शेर खान ने मार खाई थी। सच्ची? हाँ हाँ। ठीक निशाना लगाओ। मुझे यकीन ही नहीं होता। मुझे यकीन है। ठीक लग रहा है। फेंक कर देखूं ठीक है या नहीं। अरे वाह है। अरे वाह, कमाल कर दिया मोगली। ये वापस तो आ गया, लेकिन ये तो बताओ कि अब ये किस काम का? अकड़ू, इससे तो मैं किसी को भी मात दे सकता हूँ। खिलौना है तो मजे का। खिलौना तो ये देखो। देखो वो नारियल है ना वहां। लीला तू ठहर जा, मेरा है वापस दो। क्यों करो? तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर फेंका है। मैंने तुम्हें नहीं देखा, वापस दो। तुम्हारा मतलब किसी ने मुझे नहीं देखा? अकड़ू और पकड़ू ने भी नहीं? हाँ हाँ, नहीं देखा। वापस करो ताकि दोबारा फेंको। मैं बुद्धू नहीं, मैं नहीं लौटाने वाली। लीला की बच्ची, कुछ चीजें नहीं बदलती। कोई बात नहीं मोगली, दुखी न हो, दूसरा मिल जाएगा। वो तो ठीक है, लीला को मुझसे इतनी नफरत क्यों? क्योंकि मैं आदमी का बच्चा हूँ। ये बात नहीं, ये सब लीला अपने पिता के कारण ऐसा करती है। उसके पिता? हाँ, बहुत पुरानी कहानी है, काफी छोटे थे तुम। ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो। एक समय आया जब लीला का दादा सरपंच पद से हटना चाहता था। ये नहीं कि वह बूढ़ा हो चुका था, वो तो स्वयं दल का नेतृत्व जवान पीढ़ी को सौंपना चाहता था। इस पद के काबिल तो दो ही थे, सरपंच का बेटा विक्रम यानी लीला का पिता, और दूसरा था तुम्हारा पिता मोती। जो इस मुकाबले में जीतेगा वही होगा हमारा अगला सरपंच। यही है यहाँ का कानून। सब समझ गए ना? समझ गए ना आप सब? विक्रम, हमें एक दूसरे से मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मुझे तुम्हारे सरपंच बनने में कोई भी आपत्ति नहीं। तुम जानते हो मोती, इस लड़ाई को जीते बिना मैं सरपंच नहीं बन सकता। एक दोस्त के साथ मुकाबला? नहीं विक्रम। आओ, ये मुकाबला जरूरी है, लड़ना ही पड़ेगा। यही नियम है मोती, कोई और रास्ता नहीं। आओ मोती। तुम बच नहीं सकते मोती। हाँ
बाबा जीत गया। मोती हमारा नया सरपंच। मोती जीत गया। विक्रम, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। अलविदा। बस उसी तूफान में गायब हो गया और फिर लौटा ही नहीं। तो लीला ये सोचती है कि मेरे पिता ने उसके पिता को मार मार के भगा दिया। गलत सोचती है। आओ तुम्हारे लिए दूसरा पंजा ढूंढे। चलो। क्या मनुष्य के बच्चे के पंजे? ये सच है शेर खान, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। पंजे। खतरनाक हो सकता है। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या और कोई काम नहीं? वो पंजा दे दो, हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। नहीं दूंगी। मोगली मुझे इससे मारना चाहता था, मुझे चोट भी लग सकती थी, क्या पता वो फिर मुझे मारने की कोशिश करे। मोगली से इतनी नफरत? अगर तुम्हें हमारे पिता से कोई शिकायत है तो उनसे कहो। नहीं, मोगली हमारे झुंड का सदस्य नहीं हो सकता। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? लड़ो मत। बस करो लीला, समझ में नहीं आता क्यों तुम हमेशा लड़ते रहते हो, तुम्हारी ये सुंदर खाल खराब हो जाएगी। तुम्हारे पिता की खाल भी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। पिताजी जैसी? तुम्हारे पिता की खाल की सभी प्रशंसा करते थे, तुम्हें गर्व होना चाहिए। कैसा गर्व? सुंदर खाल के होने पर भी वो सरपंच तो ना बन सके। तुम ठीक कहती हो। हाँ? तुम्हारे पिता विक्रम मुकाबले में मेरे पति से हार गए, लेकिन विक्रम तो खुद सरपंच पद के लिए मुकाबला करना चाहता था। हारने के बावजूद भी वह सदस्य बनकर यहाँ रह सकता था। नियम के मुताबिक मुकाबला जरूरी था, इसमें हारने या हराने वाले का क्या दोष, लेकिन वो चला गया। विक्रम को तो सरपंच पद से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। लीला, सब उसे याद करते हैं। रुको लीला। ये लो, इसे वापस कर दो तुम मोगली को। माँ, जो कुछ भी मोती और विक्रम के बीच हुआ उसे भूल जाओ और अब मोगली से दोस्ती कर लो। क्या तुमने नए पंजे की तलाश छोड़ दी? सही डाल ढूंढना इतना आसान नहीं है बगीरा। तो फिर लीला से पुराना पंजा ही वापिस मांग लो। वो तो उसके टुकड़े टुकड़े करके खा गई होगी। तो करते रहो नए की तलाश। मैं नहीं ढूंढना चाहता। क्या कहा? नया पंजा ढूंढने के लिए तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। मैं क्या यहाँ झक मारने के लिए आया हूँ मोगली?
क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था बगीरा। तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, अलविदा। फोटो। ये भी किसी काम का नहीं। काश पिताजी आज यहां मेरी मदद के लिए होते। मोगली चुपचाप खड़े रहो, बिल्कुल सांस रोक कर। देखो कमाल कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारी बारी, कोशिश करो। अच्छा। मछली पकड़ने के लिए मनुष्य एक लंबी अजीब छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वे अपने हाथों से वो मछली नहीं पकड़ सकते। मुझे मालूम है, मैंने देखा है, लेकिन मोगली को मैं अपने बच्चे की तरह पालूंगा। मैं ठीक हूँ। बहुत मुश्किल है आदमी के बच्चे को पालना। हाँ शायद। मोती, इतनी मुश्किल से सरपंच बनने के बाद भी तुम्हारा बर्ताव कितना अच्छा है, तुम सबसे बहुत अलग हो। मालूम है मैं बड़ों जैसा व्यवहार क्यों नहीं करता। पहले सरपंच मुझसे बड़े हैं, और जब विक्रम वापिस आ जाएगा तो वो सरपंच बनेगा। अरे अरे मोगली, मछली पकड़ने से पहले ये सीखो कि वो तैरती कैसे है। जब उसके तैरने का तरीका सीख जाओगे तब उसे पकड़ भी लोगे। मनुष्य को सिखाना इतना आसान नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर तुम तो मोगली को बड़ी आसानी से सिखा देते हो। वो बहुत पहले मैंने एक आदमी को देखा था जो अपने बच्चे को नदी में तैरना सिखा रहा था। पिताजी, पिताजी देखिए मैंने क्या पकड़ा। कोई बात नहीं, मैं दूसरी पकड़ लूंगा। बघीरा, क्या तुम मोगली को शिकार करना सिखाओगे? मजाक कर रहे हो, मैं सिखाऊं और इस बच्चे को? मजाक नहीं कर रहा, अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो। सब यही सोचते हैं कि मैं अजीब हूं। और कभी कभी मनुष्य की तरह बर्ताव करता हूं, इसलिए तो तुमसे कह रहा हूं। सही है, नन्हा सा बच्चा था वो जब से मैंने उसे पाला। मैंने बहुत कोशिश की उसे भेड़िया बनाने की, पर वो तो मनुष्य की तरह सोचता है। ठीक कहते हो। सोचता हूँ कि मोगली को तुम अच्छी तरह सिखा पाओगे, क्योंकि कभी मनुष्यों ने तुम्हें पाला था। मोती जल्दी आओ। वहां तुम्हारी जरूरत है। हैं? क्या हुआ? क्या बात है? देखो तो। मोती, अब हम यहां नहीं रुक सकते, ये जगह बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है।
तो क्या किया जाए? अब सरपंच तुम हो, निर्णय भी तुम लो। ठीक है, मैं ही निर्णय लेता हूं। सरपंच के नाते मैं हुक्म देता हूं, तुम सबको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओगे। लेकिन देखो, तुम इस जंगल का चप्पा चप्पा जानते हो, जल्दी करो। इस समय तुम्हारे अनुभव और कौशल की हमें बहुत जरूरत है। अब जाओ। सब लोग इनके पीछे पीछे जाएं। मालूम है भेड़िए इसी रास्ते से आएंगे, अब वो मेरा शिकार करेगा। चलो, हमें जल्द से जल्द नदी किनारे पहुंचना होगा। क्या चाहिए तुम्हें? मोती, मुझे वो बच्चा चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे वो दे दो। नहीं शेरखान, जंगल में आग लगी है, कानून है, हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। मुझे कानून की परवाह नहीं, मैं कानून खुद बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे वो बच्चा दे दो। नहीं, ये मेरी लड़ाई है, तुम जल्दी से बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाओ। अब सुनो, झुंड का नेतृत्व तुम करोगे। पिताजी, नहीं। भाग जाओ, वो बच नहीं सकते। मोगली को यहां से ले जाओ। ओ पिताजी, नहीं। आओ मेरे साथ। मुझे छोड़ दो, मैं पिताजी को बचाऊंगा। नहीं मोगली, ये असंभव है। तुम्हें वापस ले जाना खतरे से खाली नहीं। तुम नहीं जा सकते। मैं मोती के आदेश का अनादर नहीं कर सकता। समझने की कोशिश करो, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। बगीरा शीला, नहीं, उसे मालूम ना पड़ेगा हम यहां हैं। तुम अभी बहुत छोटे हो, नादान हो, उससे मुकाबला करने के लायक नहीं। शेर खान का सामना नहीं कर सकोगे तुम। तो कब कर सकूंगा बगीरा? मैं बताऊंगा, नहीं तो मोती की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है, अकल से काम लो। जैसा कहूं वैसा करो मोगली। मोगली वो अब गया, चलो तुम्हारा पंजा ढूंढते हैं। हाँ बगीरा। हाँ चलो, मोती को वादा दिया था तुम्हारी देखभाल का। ओ बगीरा। इरादा क्यों बदल दिया लीला? क्या, मैं समझी नहीं।
मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मोगली को हम सब की मदद की जरूरत है। बघीरा, मेरे बेटे मोगली को बहुत प्यार से पालना।